क्या आप जानते हैं डायमंड हीरा आज लैब में बन रहा है? प्राकृतिक डायमंड से कितना अलग होता है लैब में बना हीरा। इसे लैब ग्रोन डायमंड यानी प्रयोगशाला में पैदे हुए हीरा भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि लैब में हीरा कैसे बनता है, कितना डिफरेंट अलग होता है नेचुरल हीरे और लैब में बने हुए हीरे। हमारे देश में हजारों सालों से आभूषण सोने हीरे पहनते लोग आ रहे हैं। यह हमारे सनातन धर्म कल्चर का हिस्सा भी है। बहुत लोगों को डायमंड की ज्वेलरी पहनना आज भी बहुत पसंद करते हैं। आज के समय में तकनीकी इतना बढ़ गई है कि अब नेचुरल डायमंड जैसे हीरे भी लैब में तैयार हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लैब में बने हीरे प्राकृतिक हीरे से सस्ते मिलते हैं। ये डायमंड 75% सस्ता मिल सकता है नेचुरल के मुकाबले। भारत सरकार लैब वाले हीरे के बिजनेस को भी बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है। सरकार आर्टिफिशियल डायमंड को प्रमोट भी कर रही है। आप इस हीरे को अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। लैब ग्रोन डायमंड प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ये असली हीरा जैसे दिखता है। इस हीरे को तैयार होने में 1 से 2 महीने का समय लगता है। इसे सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है। लैब में हीरा ऐसे बनता है। प्राकृतिक हीरा बनने में कार्बन की जरूरत होती है। ये धरती के दबाव और ऊंचे तापमान में लाखों सालों से तैयार होते हैं। लैब में बनने वाले हीरे के लिए पहले कार्बन को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के जरिए आर्टिफिशियल हीरा यानी लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए कार्बन सीड की जरूरत होती है। इसे माइक्रोवेव चैम्बर में रखकर डेवलप किया जाता है। इसे तेज तापमान में गर्म करने के बाद प्लाज्मा वाल्व बनाई जाती है। डायमंड बनाने के लिए कई हफ्तों तक का कण को रखा जाता है, जिसके बाद वह कुछ हफ्ते में डायमंड में बदल जाता है। इसके बाद उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। इसे बनाने के 2 तरीके होते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर HPHT। कार्बन शीट को शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और हाई प्रेशर में मिलाया जाता है। केमिकल वेपर डेपोजिशन CVD। कार्बन के शीट को कार्बन युक्त गैस से भरे सील बंद चैम्बर में करीब 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस बीच से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बन जाता है। लैब में बनने वाले हीरे सस्ता होते हैं। 1 कैरेट नेचुरल हीरे कीमत लगभग 4 लाख होती है, जबकि लैब में बनने वाले हीरे कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक की होती है। ये हीरे बाकी हीरों से सस्ता है, इसीलिए आज के समय में इसकी डिमांड बढ़ गई है। यदि आप ये डायमंड खरीदना चाहते हैं तो आपको सेम कलर सेम कटिंग सेम डिजाइन और सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, बिल्कुल आपके मन जैसा जैसा आप चाहते हैं। यानी कि आप इस हीरे को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। हीरे की कैसे करें पहचान और अंतर के बारे में जानते हैं। कुदरती और लैब में बने डायमंड में फर्क करना मुश्किल है। दोनों में अंतर यही है कि लैब ग्रोन डायमंड में नाइट्रोजन नहीं है, जबकि नेचुरल डायमंड में टाइनी नाइट्रोजन होता है। ऐसा दिखता है कि कोई फर्क ना कर पाए, चाहे जितना रगड़ लो घिसट लो चमक नहीं जाएगी। प्रयोगशाला में विकसित हीरो की निश्चितता के साथ पहचाने जाने के लिए प्रयोगशाला में उन्नत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक हीरे और प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बीच अंतर को नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता। प्राकृतिक हीरे में नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा होती है, जबकि प्रयोगशाला में विकसित हीरे कोई नाइट्रोजन नहीं होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। यह वास्तव में उन संकेतकों में से एक है जिसका उपयोग रत्न विज्ञानी यह पहचानने के लिए करते हैं कि हीरा प्रयोगशाला में उगाया गया है या प्राकृतिक है। लैब में विकसित हीरे उतने ही असली होते हैं जितने धरती से निकले गए हीरे। उसके पास प्राकृतिक हीरे की तरह ही आकार साइज रंग स्पष्टता ग्रेड होते हैं। प्राकृतिक और प्रयोगशाला में विकसित हीरे दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं और दोनों ही हीरे प्रमाणन के साथ आते हैं। दिखने में प्राकृतिक हीरे और लैब में विकसित हीरे समान कठोरता स्तर और स्थायित्व के साथ बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।